देखिए अभी आज एक समन्वय बैठक है, कल हमारी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी इनकी बैठक है, परसों संयुक्त मोर्चे की बैठक। निश्चित रूप से वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय हुए हैं वो नीचे तक पहुंचे हैं, प्रदेश की बैठक में और जिलों की बैठक में, और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो तैयारी तो चुनाव की सदैव ही रखते हैं, लेकिन उसके अलग अलग बिंदु हैं, उस पर सब पे काम चलेगा। हम भी कोशिश करेंगे, हम शुरू से ही इस कोशिश में हैं और देश भर में इसी कोशिश में हैं कि हम 50% से वोट हर जगह ज्यादा लें। बीजेपी का वोट बैंक कैसे तोड़े गए हैं? देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ अड़चन नहीं है। जहां हम आपको उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, समाजवादी पार्टी बसपा पार्टी 15 साल तक ये राज करती रही और भाजपा का वोट बैंक ऐसा लगता था थर्ड फोर्थ पे चला गया, लेकिन जब तय किया तो वो साफ हो गए। अकेली भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेके आप देख रहे हैं, दो बार से विधानसभा भी और लोकसभा भी। तो पार्टी के कार्यकर्ता मन बनाएंगे और पार्टी ने तय किया है तो निश्चित रूप से यहां भी हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। कांग्रेस तो हर जगह इसी तरह की बात करती है कि बीजेडी और बीजेपी मिलकर शासन चलाए। देखिए ऐसा है, मुद्दों पर बीजेडी ने समर्थन दिया है केंद्र में मुद्दों पर, लेकिन किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो प्रदेश में किसानों के साथ हो, आम आदमी के साथ हो, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हो, इन सब मामलों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेडी के विरोध में रही है और रहेगी। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।